हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि फरवरी के मंथ में आप कौन कौन सी फ्लावरिंग प्लांट्स की कटिंग जो है वो लगा सकते हैं। ज़्यादातर आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ पेरेनियल्स, मतलब परमानेंट प्लांट्स, जो कि सारा सीज़न आपके गार्डन में बने रहेंगे। मे बी उनमें से कुछ जो हैं वो फ्लावरिंग जो है अपने सीज़न के अकॉर्डिंग ही करेंगे, बट प्लांट आपके पास वो हमेशा के लिए रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। बिफोर स्टार्टिंग ऑन द प्लांट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें अलॉन्ग विद द बेल, और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। प्लांट्स के बारे में जानने से पहले कुछ कॉमन टिप्स जो कि आप अकॉर्डिंगली अपने अपनी कटिंग्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहला कि अगर आपकी कटिंग्स जो हैं वो वुडी स्टेम्स हैं तो आप उनके लिए वाटर प्रोपोगेशन ट्राई कर सकते हैं, और उसकी कटिंग का साइज़ एटलीस्ट 6 inches तक होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपकी कटिंग जो है वो सेमी वुडी है या फिर सॉफ्ट स्टेम की कटिंग है तो उसकी आप 3 inches तक की कटिंग जो है वो लगा सकते हैं, और वो इजीली चल जाती हैं सॉयल में भी। उसके लिए आप वाटर प्रोपोगेशन बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आपकी कटिंग फिर पानी में गल जाएंगी। कटिंग्स को हमेशा वेल ड्रेन सॉयल में लगाएं और उन्हें हमेशा मॉइस्ट रखना है। जब तक कि आपकी कटिंग अच्छे से चल नहीं जाती तो आपको उसकी मिट्टी को बिल्कुल भी ड्राई होने नहीं देना है। अच्छा रहेगा अगर आप अपने सॉयल मिक्सचर में थोड़ा सा कोकोपीट ऐड कर लें तो वो मिट्टी की नमी को बनाए रखने में हेल्प करेगा और सॉयल जल्दी ड्राई नहीं होगी। तीसरी बात, कटिंग्स लगाने के बाद जब तक कि उसमें आपको न्यू ग्रोथ नज़र नहीं आती तब तक आपने उन्हें सेमी शेड एरिया में रखना है, मतलब उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि रूट्स एस्टेब्लिश्ड नहीं हुई होंगी और प्लांट ख़राब हो जाएगा डायरेक्ट सन से। और उनकी ग्रोथ में हेल्प करने के लिए उनको प्रॉपर ब्राइट लाइट मिलती रहे, इसलिए उसको पूरी तरह से शेड में या डार्क प्लेस में भी नहीं रखना है, तो प्रॉपर ब्राइट लाइट वाले एरिया में, उन्हें सेमी शेड एरिया में आपको रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले प्लांट के साथ। तो मेरी लिस्ट का सबसे पहला प्लांट है ये कनेर का प्लांट। इसमें काफ़ी सारे कलर्स के प्लांट्स आते हैं, काफ़ी सारे कलर के फ्लावर्स इसमें आते हैं, पिंक कलर, रेड कलर, वाइट कलर। तो जो भी प्लांट आप लगाना चाहें, जो भी कटिंग आप लगाना चाहें, इजीली लग जाएगी। आई रिकमेंड कि आप इसके लिए वाटर प्रोपोगेशन ट्राई करें। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं वाटर प्रोपोगेशन से। नियर अबाउट 1 week में उसकी रूट्स आ गई थी और उसको मैंने बाद में मिट्टी में ट्रांसफ़र किया है, तो देखिए कितनी अच्छे से ये सारी की सारी कटिंग्स चल गई हैं। फरवरी का सीज़न बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, बहुत अच्छा मॉइस्चर लेवल होता है ह्यूमिडिटी का, और मिट्टी भी जल्दी ड्राई नहीं होती तो कटिंग्स बहुत अच्छे से चलती हैं। अब देखिए रेन भी शुरू हो गई है तो अब तो ये सीज़न बहुत ही अच्छा है आपकी कटिंग्स के लिए। सेकेंड नंबर पे है सदाबहार यानी कि विंका का प्लांट। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स आते हैं और इसकी हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर्स तो और भी अच्छे हैं। इसके भी अगर आप छोटी सी कटिंग भी, अगर 3 से 4 inch की भी अगर आप कटिंग लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आता है इक्जोरा का प्लांट, जिसमें भी बहुत सारे कलर्स आपको मिलेंगे। इसमें 2 types की वैरायटीज़ आती है, एक ड्वार्फ वैरायटी भी आती है और एक बड़ी लेंथ का इक्जोरा भी आता है। किसी की भी आप कटिंग लगाएंगे तो इस सीज़न में वो बहुत अच्छे से चल जाएगी। फोर्थ नंबर पे आता है हिबिस्कस का प्लांट, जिसमें कि बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल, झुमका हिबिस्कस और भी बहुत सारे टाइप के हिबिस्कस के प्लांट्स आपको मिल जाते हैं। और इसकी भी अगर आप कटिंग लगाएंगे, वुडी स्टेम ले रहे हैं तो वाटर प्रोपोगेशन करें, अगर आप थोड़ी सी सेमी वुडी स्टेम ले रहे हैं तो उसके लिए आप सॉयल प्रोपोगेशन यूज़ करें और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फिफ्थ नंबर पे आता है पोर्चुलका यानी कि मॉस रोज का प्लांट। उसकी भी अगर आप छोटी छोटी सी कटिंग्स भी लगाएंगे तो इस सीज़न में वो बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। फ्लावरिंग उसमें समर में होगी बट आप इसकी प्रूनिंग करते रहिए ताकि आपका प्लांट तब तक बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। और ऐसे ही इसके बाद 6th number पे आता है हमारा पर्सलेन का प्लांट। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम तरह से ग्रो करते हैं और इसकी भी आप कटिंग्स जो हैं वो ईजिली लगा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे कलर्स और वेराइटीज़ आती हैं मोसरोज में भी और पर्सलेन में भी। मोसरोज एंड पर्सलेन की कटिंग्स जो हैं आप बहुत सारी लगाएँ ताकि आपका पॉट जो है वो बहुत अच्छे से बुशी हो जाए, और फ्लावरिंग के टाइम में बहुत सारी टिप्स अगर उसके ऊपर होंगी तो वो बहुत अच्छे से भरपूर फ्लावरिंग करेगा। 7th number पे आता है कैलन कोई यानी कि कलांचो का प्लांट, और इसमें भी बहुत सारी कलर वैरायटीज़ आपको मिलती हैं। मेरे पास भी रेड, पिंक, पीच, ऑरेंज, येलो, बहुत सारे कलर्स के कलांचो हैं। इसकी भी अगर आप छोटी से छोटी कटिंग भी लगाएंगे तो वो बहुत इजीली जल जाती हैं, बट क्योंकि सकलन फैमिली का ये प्लांट है तो इसलिए इसको पानी थोड़ा कम देना होता है, अदरवाइज़ इसकी कटिंग्स जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। 8th number पे आता है रोज़ का प्लांट, जिसमें कि बहुत सारे कलर्स एंड वैरायटीज़ आपको मिल जाती हैं। इसकी भी कटिंग आपको एटलीस्ट 6 inches की लेनी है और पेंसिल के जितनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए उसकी कटिंग की, तभी आपकी कटिंग वो बहुत अच्छे से चल जाएगी, और उसको ब्राइट लाइट चाहिए अच्छे से ग्रो होने के लिए।
नाइन्थ नंबर पे है जैस्मिन यानी कि चमेली का प्लांट। इसमें भी छोटी चमेली, बड़ी चमेली ऐसे करके अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं। इसकी भी आप छोटी सी कटिंग अगर लगाएंगे तो इजीली वो चल जाएगी इस सीज़न में। काफ़ी अच्छी खुशबू इसके फ्लावर्स की रहती है और आपके पूरे गार्डन को ये खुशबू से महका देगी। इस कटिंग को ज़रूर ऐड करें। टेंथ नंबर पे आता है गंधराज यानी कि गार्डेनिया का प्लांट। इसकी फ्लावर की भी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी होती है और इसका फ्लावर बहुत ही प्यारा होता है। इतना बड़ा वाइट कलर का फ्लावर इसका खिलता है जो कि सब फ्लावर से बिल्कुल अलग होता है और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आपके गार्डन में ये देता है। इसकी भी कटिंग अगर आप इस सीज़न में लगाएंगे, वुडी स्टेम की इसकी कटिंग लगाएं, तो वो बहुत अच्छे से चल जाती है। हर एक प्लांट की कम से कम 5 या 6 कटिंग्स लगाएं ताकि अगर आप उनमें से कोई कटिंग नहीं चलती है तो इतने टाइम के वेट के बाद आपको निराश ना होना पड़े। आपको एटलीस्ट 2 या 3 प्लांट्स आपको कटिंग में से मिल जाएँ। 11th नंबर पे आता है चंपा यानी कि प्लूमेरिया का प्लांट। इसकी कटिंग भी अच्छे से चल जाती है बट इसकी कटिंग लगाने से पहले आपको इसे पूरी तरह से ड्राई करना है। एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए आपको इसे ड्राई होने के लिए छोड़ना है, तब तक कि जब तक कि उसका पूरा वाइट जो पोर्शन उसमें से निकलता है कटिंग में से वो पूरी तरह से निकल जाए और नीचे का पार्ट थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसके बाद इसे लगाएं। और इसको लगाने के लिए मीडियम के तौर पर आप प्योर सैंड यूज़ करें, उसमें ये कटिंग बहुत अच्छे से चलती है। 12th नंबर पे आता है एडेनियम का प्लांट। एडेनियम बहुत ही प्यारा समर का फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत सारी वैरायटीज़ एंड कलर्स इसमें आते हैं। एडेनियम की ग्राफ्टेड वैरायटी भी आपको नर्सरीज में मिल जाती हैं। इसकी भी कटिंग अगर आप इस सीज़न में लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है और चंपा की तरह ही इसको भी पहले आपको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ना है क्योंकि ये सकलेंट वैरायटी का प्लांट है। और जब कटिंग का नीचे का पार्ट थोड़ा सा हील हो जाए तब आप उसे सॉइल में लगाएं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। और इसका दूसरा बेनिफिट ये होगा कि फेब्रुअरी में हम अपने एडेनियम के प्लांट्स की प्रूनिंग भी करते हैं उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो जब आप अपने एडेनियम की प्रूनिंग करें उस टाइम पे आप उसकी कटिंग्स को ग्रो करके नए प्लांट बना सकते हैं। 13th नंबर पे आता है बेबी सनरोज का प्लांट जो कि अगेन सकलेंट वैरायटी का ही प्लांट है और ये हैंगिंग बास्केट्स में लगाया हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें भी छोटे छोटे से पिंक रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं और इसकी भी अगर आप बहुत छोटी सी कटिंग भी अगर आप लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी इस सीज़न में। 14th नंबर पे आता है बोगनविलिया का प्लांट जो कि बहुत ही पॉपुलर समर का फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत अच्छे कलर्स इसमें आते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ इसमें आती हैं। आप इसे कैसे भी मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप इसे बेतरतीब बढ़ने देते हैं तो ये बहुत अच्छा फैल जाता है। आपकी बालकनी वगैरह के ऊपर लगाइए, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप इसको छोटा रखना चाहते हैं तो प्रूनिंग कर करके आप इसे छोटा भी मेंटेन कर सकते हैं और वो पॉट में लगाया हुआ बहुत अच्छा लगता है जब ये पूरा फुल ऑन ब्लूमिंग के ऊपर होता है। तो 15th नंबर पे है चांदनी का प्लांट। इसमें भी छोटी चांदनी एंड डबल चांदनी ऐसे करके इसकी वैरायटीज आती हैं। वाइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसकी भी कटिंग आप इस सीज़न में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से वो चल जाती हैं। 16th नंबर पे है पारिजात यानी कि हार श्रृंगार का प्लांट। इसकी भी कटिंग आप इस सीज़न में लगाएंगे बहुत अच्छे से चलती है। छोटे छोटे से वाइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं जो कि रात में खिलते हैं और दिन में गिर जाते हैं सारे के फ्लावर्स और अगेन रात में नए फ्लावर्स इसके आते हैं। बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं इस प्लांट की, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। 17th नंबर पे है लैंटाना का प्लांट। इसके भी बहुत सारे कलर वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे। इसकी कटिंग भी आप फेब्रवरी में इजीली लगा सकते हैं। 18th नंबर पे आता है क्रिसेंथेमम। क्रिसेंथेमम की कटिंग भी अगर आप इस सीज़न में भी लगाते हैं तो भी वो बहुत अच्छे से चल जाती है और मे बी वो इस सीज़न में पूरी तरह से ब्लूमिंग के लिए रेडी ना हो, बट अगर आपको कहीं से उसका नए कलर की कटिंग मिलती है तो उसे ज़रूर लगाएं। अगले सीज़न तक वो प्लांट अच्छे से रेडी हो जाएगा और बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेगा। 19th नंबर पे है जेरेनियम का प्लांट। जेरेनियम की कटिंग भी अच्छे से चल जाएगी इस सीज़न में। छोटी कटिंग भी उसकी चल जाती है, बड़ी कटिंग भी चल जाती है और बहुत अच्छे कलर्स के फ्लावर्स उसके रहते हैं। उसकी कटिंग काफ़ी जल्दी रेडी हो जाती है और आने वाले टाइम में वो फ्लावरिंग के लिए भी रेडी हो जाएगा। समर में भी काफ़ी टाइम तक ये फ्लावरिंग करता रहता है। 20th नंबर पे आता है डायंथस का प्लांट। इसमें भी बहुत सारे कलर वेरिएशंस एंड वैरायटीज़ आपको मिल जाती हैं। इसकी भी कटिंग अगर आप इस सीज़न में लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से चल जाएगी। छोटी सी कटिंग भी इसकी चल जाती है और ये प्लांट बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और समर में भी ये ब्लूमिंग करता है। ये भी एक पेरेनियल प्लांट है, अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर करेंगे तो ये समर में भी आपको फ्लावर देता रहेगा। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे प्यारे प्यारे से सकलेंट्स। अगर आपको सकलेंट्स पसंद हैं तो कहीं से भी आपको उसकी कटिंग या फिर छोटी सी लीफ भी अगर आपको उसकी कहीं से मिलती है तो इस सीज़न में वो बहुत अच्छे से प्रोपोगेट हो जाती है और आपको नए सकलेंट प्लांट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, तो उसे भी आप ज़रूर ट्राई करें।
आज मैंने आपको ऐसे 20 प्लांट्स बताया जिनकी कटिंग आप इजीली फरवरी में लगा सकते हैं, बट मेक श्योर आप एक प्लांट की एक से ज़्यादा कटिंग्स लगाएं, एटलीस्ट 4-5 कटिंग्स एक प्लांट की ज़रूर लगाएं, स्पेशली तब जब आप बिगिनर हैं गार्डनिंग में और नई कटिंग्स को अभी ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि इतने टाइम के वेट के बाद अगर आपकी कटिंग्स ना चलें तो बहुत निराशा होती है। तो इससे बचने के लिए एटलीस्ट 4-5 कटिंग लगाएं, एटलीस्ट उनमें से एक तो ज़रूर चल जाएगी और आपकी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल रहेगी, आपके गार्डन में एक नया प्लांट जो है वो जरूर ऐड हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।